मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने कवर किया था काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। हमने देखा था कि किस तरीके से ये जो इसके मेंबर्स थे उनकी किस तरीके से सेंट्रल लेजिस्लेचर में वाइसराय के द्वारा चुन के आते थे। ठीक है, और वाइसराय जो होता था वो किन की उससे रिकमेंडेशन से चुनता था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिकमेंडेशन से। ठीक है, वैसे तो ये वाली जो क्लास है ना, ये मैंने सैटरडे शाम को रिकॉर्ड कर दी है। ठीक है, मैं आज सैटरडे शाम को ये क्लास जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपके पास ये जो क्लास है ये संडे मॉर्निंग को पहुंच जाएगी। ठीक है, तो कल मॉर्निंग को ये जो क्लास है आपके पास पहुंच जाएगी। नेक्स्ट लिखो, इतने एक्ट तक हमने कर दिया था, अब नेक्स्ट हमने करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। अब इसमें इतनी कहानियां नहीं है। ठीक है, आज जो हमारा जो ये जो टॉपिक है आज फिनिश हो जाएगा, इसमें इतनी कोई कहानियां नहीं है। इसमें बस आपको फीचर्स ही लिखवाने हैं और उस फीचर्स में ना कुछ टर्म्स आएंगे, बस उन टर्म्स का जो है आपको मतलब बताना चाहिए। उसके अलावा इसमें दो एक्ट्स आएंगे, सॉरी तीन एक्ट्स आएंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले जितने भी एक्ट्स हैं ना, उन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जो तीन एक्ट्स जो हैं जो आने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वाले एक्ट के ऊपर स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, ऐसे स्टार मार्क करके तो लिख लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ठीक है, इसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, मॉडले मिंटो रिफॉर्म। अब मैंने आपको पिछली बार क्या करवाया था कि एक वॉइस रॉय होता था और एक होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये जो थे ये जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स थे, इसमें ये जो मॉडले होगा ये होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, और ये होगा वॉइस रॉय। ठीक है, तो ये लिख लेना। जनरली ये जो क्वेश्चन होता है जनरली पूछा जाता है आपसे, यूपीएससी में ये जो सवाल है यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन छोटे मोटे जो एग्जाम्स आ जाते हैं ना, स्टेट पीसीएस आ जाते हैं या क्या कहते हैं, अब तो स्टेट पीसीएस भी ऐसे सवाल जो पूछना छोड़ चुकी है, लेकिन अदरवाइज जो SSB के एग्जाम्स हो गए, ठीक है, और कई बार किस्मत का पता नहीं होता, कई बार स्टेट पीसीएस भी पूछ लेती है और कई बार यूपीएससी भी पूछ लेती है कि मॉडर्न मिंटो रिफॉर्म्स में के टाइम पे जो वॉइस रॉय हुआ करता था वो कौन था। ठीक है, तो दोनों रिफॉर्म्स याद रखना, नेक्स्ट वाले भी करवाऊंगा, उसमें होगा मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड, तो उसमें जो मॉन्टेग्यू होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा और ये होगा वाइसराय। ठीक है, फिलहाल इसी पे फोकस करो, इसको नोट डाउन मत करना, ये ऐसे बता रहा हूं आपको। तो इसको बोला जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इसके 10 साल बाद आएगा, तो उसको बोला जाएगा मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, REFOR रिफॉर्म। ठीक है, कुछ लोग इसको क्लेम्सफोर्ड कहते हैं, कुछ क्लेम्सफोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका मन करे वही कहो। ठीक है, इससे ऐसा आपकी कुछ ने वो क्या कहते हैं आपको प्रोनंसिएशन वहां पे नहीं चेक हो रही। ठीक है, क्लेम्सफोर्ड बोलो या क्लेम्सफोर्ड बोलो, ठीक है, दोनों चल जाएंगे। नेक्स्ट, बस स्पेलिंग मत गलत लिखना। चलो इस पे आ जाओ, मॉडर्न मिंटो रिफॉर्म्स पे लिखो। फर्स्ट ये लिख लो कि जो लॉर्ड मॉर्ले था, ही वॉज दी देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ही वॉज दी देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड लॉर्ड मिंटो ही वॉज दी देन वाइसराय ऑफ इंडिया, ही वॉज दी देन वाइसराय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लिखो, इस ये जो रिफॉर्म्स थे इनमें हुआ क्या। ठीक है, ये अभी दोबारा करना है आपको, मैं उधर लिख देता हूँ। इसमें क्या होगा कि आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, सेंटर में भी थी और पिछले एक्ट में हम करके गए हैं कि उन्होंने जो थी जो काउंसिल थी वो स्टेट्स में भी बनानी शुरू कर दी थी, यानी कि प्रोविंसेस में भी बनानी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो जो उनकी जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी, हमने कितनी की थी, 15। ठीक है, 15 में एक 16वां मेंबर कौन हुआ करता था, जो इसका हेड हुआ करता था, कौन था वो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये टोटल इसकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी 16। ठीक है, अब इसकी जो स्ट्रेंथ थी 16 से इंक्रीज करके उन्होंने 60 कर दी। ठीक है, 60 कर दी कहां पे, सेंटर में,
और जो सेट्स थी उनमें जितनी ये बढ़ा सकते थे, मतलब जितनी जितनी बढ़ सकती थी प्रोपोर्शन के हिसाब से बढ़ा दी, ठीक है। अगर तो स्टेट बड़ी थी तो उसकी उस हिसाब से बढ़ा दी, कोई स्टेट छोटी थी तो उसकी उस हिसाब से बढ़ा दी, ठीक है। तो स्टेट के बारे में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि कौन सी स्टेट की जो है स्ट्रेंथ कितनी थी, ठीक है। और हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हमारे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि जो वो जो स्ट्रेंथ थी सेंटर में 16 से बढ़ा के 60 कर दी, ठीक है। तो लिखो, इट इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंटर एंड प्रोविंशियल, बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, या फिर लिखो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर इंक्रीज्ड फ्रॉम, थोड़े फास्ट हो गए, स्लो चलते हैं। इट इंक्रीज द इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉमा एट बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल, इतना तो आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मेंबर्स, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रेज्ड फ्रॉम 16 to 60. However, the number of members in provincial legislative council, the number of members in provincial legislative council was not uniform. Secondly, go. Second point, it retained the official majority in Central Legislative Council, ये समझाता हूँ line, in Central Legislative Council, but allowed the provincial legislature या provincial legislative council, एक ही बात है, to have non-official majority. पिछला जो एक्ट था उसमें हमने किया था कि इसके कितने मेंबर थे, इसको मिला के यहाँ पे 15 मेंबर थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस 15 मेंबर में 3 जो है इंडियन मेंबर्स इंक्लूड किए, ठीक है। धीरे धीरे 3 से उनकी जो ये थी, 3 कब इंक्लूड किए थे इन्होंने, 3 इंक्लूड किए थे 1861 के एक्ट में, ठीक है, काउंसिल एक्ट में। फिर 1892 के एक्ट में उन्होंने क्या कर दिया, 3 और इंक्लूड कर दिए, ठीक है। लेकिन ये जो मेंबर हुआ करते थे नॉन ऑफिशियल हुआ करते थे, ठीक है, नॉन ऑफिशियल। और जो ऑफिशियल मेंबर की जो मेजॉरिटी थी ये हमेशा मेंटेन करके रहते थे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये 15 में से 3 ये हैं तो यहाँ पे 12 दूसरे हो गए ऑफिशियल मेंबर, तो मेजॉरिटी किनकी रही, हमेशा ब्रिटिश की, सेंट्रल की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे बाद में 6 कर दिए तो ये कितने रह गए, 9, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो मेजॉरिटी अभी भी किनकी है, ब्रिटिश की, ठीक है। इस एक्ट में क्या बोला गया कि जो सेंटर है ना, सेंटर में टोटल अब कितने हो गए, 60 हो गए, ठीक है। स्ट्रेंथ इसकी 16 से बढ़ा के 60 कर दी। तो उन्होंने बोला कि जो ये है मेजॉरिटी है सेंटर में, वो तो आप रखो ब्रिटिश की, ठीक है। नॉन मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्लूड कर लो, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो आप अपनी बना के रखो, ठीक है। लेकिन जो प्रोविंसेस है ना, जो स्टेट्स हैं प्रोविंसेस, वहां पे जो है आप नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी जो है वो बना सकते हो। मतलब वहां पे जो नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है उनका जो नंबर है वो इंक्रीज कर सकता है ऑफिशियल मेंबर्स से, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है ज्यादा इंडियंस हो सकते हैं, इंडियंस एज कंपेयर टू ब्रिटिश, ठीक है। ये चेंजेस किए गए, ये चेंज इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लिखो, थर्ड पॉइंट मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एंड मूव रेजोल्यूशंस ऑन द बजट, मूव रेजोल्यूशंस ऑन द बजट। सबसे पहले समझो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है। आज भी जो है ना, जो आपका ये जो चलता है ना सेशन चलता है जब भी, ठीक है, 3 सेशन होते हैं बीएमडब्ल्यू से, याद कर लेना। बी से है आपका बजट सेशन, एम से है मॉनसून, और बीएमडब्ल्यू से है विंटर सेशन, ठीक है। तो 3 ये सेशन चलते हैं, ठीक है, हमारे पार्लियामेंट में।
उसमें क्या होता है कि जब सेशन चलता है ना, तो मान लो जैसे आप देखते हो ना भगवंत मान की पिछले सालों में आपने स्पीचेस वगैरह देखी होंगी, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो सवाल पूछता है, ठीक है। अब वो मेजोरिटी में नहीं था उस पॉइंट पे जब वो पार्लियामेंट में हुआ करता था। पार्लियामेंट कौन सी, आपकी ये वाली सेंटर की जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वहां पे जब वहां पे हुआ करता था तब ये लोग मेजोरिटी में नहीं थे, क्योंकि केजरीवाल के पास कितनी को वोटें थी, ठीक है, ये आप पार्टी से गए थे तो इनके पास ऐसा जितनी वोट्स नहीं थी। तो ये क्या करते थे, ये स्पीकर से सवाल पूछते थे, स्पीकर जो है आगे इनके सवाल जो है आगे ट्रांसफर करते थे, और जो आगे का जो इनका मिनिस्टर हुआ करता था एग्जेक्टिव का, ठीक है, एग्जेक्टिव जो होती थी इसके आंसर दिया करती थी। अब इसमें जनरली ना कुछ सवाल होते हैं, जैसे स्टार्ट क्वेश्चन हो गया, अनस्टार्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये आगे जाके करेंगे कि किस तरीके से होते हैं, आज इनको डिस्कस नहीं करेंगे। आज समझ लो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये होता है कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, उसके बाद जब वो जो वो है मिनिस्टर है उसने जब उसका आंसर दे दिया, तब जो है आप जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, मतलब उसके आंसर देने के बाद फिर से आप जो है दोबारा से उसी टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ, मतलब उस अपने क्वेश्चन के ऊपर सप्लीमेंट्री कुछ ना कुछ करने के लिए आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस की भी टाइप होती है कि आपको रिटर्न क्वेश्चन पूछना होता है 14 दिन की पहले, वो लेनी होती है परमिशन लेनी होती है, ठीक है, 14 दिन पहले उनको नोटिस देना होता है कि हम आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं या पूछा जाएगा आपसे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ये बजट सॉरी ये सेशन चलता है, ठीक है। उस पॉइंट पे आज भी जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाने दिया जाता, लेकिन उस टाइम पे जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो पूछने की इजाजत दी गई थी, कौन से एक्ट में, 1909 के एक्ट में, ठीक है। तो ये तो होगी बात आपकी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की। नेक्स्ट आते हैं, दे वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एंड मूव रेजोल्यूशंस ऑन बजट, ठीक है। आज जो है बजट के ऊपर कोई भी रेजोल्यूशन जो है आज की डेट में मूव नहीं किया जाता, क्यों, रीजन बीइंग के मतलब अगर बजट ही पास ना हो तो जो आपकी सरकार होती है वही गिर जाती है, ठीक है। तो जो बजट होता है वो पहले से पूरी जो उसकी जो प्रक्रिया होती है ना उसको एक तरीके से पूरा कर लिया जाता है, ठीक है, बस वो वहां पे एक सिर्फ जो होती है ना क्या कहते हैं एक फॉर्मेलिटी करनी होती है कि वो जो बजट होता है उसको पढ़ के बताना होता है, ठीक है। अदरवाइज जो सब कुछ जो होता है सब कुछ डिसाइडेड ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, ये जो आईएएस होते हैं ना यही जो है ये आपका बजट जो है यही बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ऐसा सच अगर आप सोचते होगे कि जो सरकार बजट बनाती है तो असल में सरकार जो है बजट नहीं बनाती, ये जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ना यही बजट बनाते हैं। नेक्स्ट, तो उस पॉइंट पे आप इस यहाँ पे क्या कर सकते थे 1909 में, इंडियन मेंबर्स को इस बात का हक था कि इसके बजट के अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन है वो मूव कर सकते थे, ठीक है। और आज की डेट में ऐसी कोई परमिशन नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम कॉमा The Association of Indians with the Executive Council, Executive पे लगाओ underline, Executive Council of Viceroy and Governor। मैंने आपको बताया था ना एक होती है Executive Council, ठीक है, Executive Council थी, दूसरी थी कौन सी, Legislative Council। Legislative Council में अगर इंडिया के हिसाब से समझें, आज की तरीके से समझें, तो ये एग्जेक्टिव काउंसिल का मतलब है वो लोग जो कैबिनेट में होते हैं, ठीक है, ऐसे समझ के चलो, वो लोग जो कैबिनेट में होते हैं। कैबिनेट में कौन हो गया, कौन है वो, सीतारमन जो लेडी है हमारे, निर्मला सीतारमन, ठीक है, ये एग्जेक्टिव का पार्ट है। उसके अलावा अमित शाह, उसके अलावा एस जयशंकर, ठीक है, ये ऐसे लोग जिनके जिनके जिनको कोई ना कोई मिनिस्ट्री दी हुई है, ठीक है, ये आपके आ जाते हैं एग्जेक्टिव का पार्ट, ठीक है। उसके अलावा लेजिस्लेचर में हर वो मिनिस्टर आ जाता है जो इलेक्शन जीत के एमपी की वोट जीत के वो पहुंचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ कि जो एक इंडियन था उसको वाइसरॉय की एग्जेक्टिव में जगह मिली, ठीक है, मतलब वो इतना करीबी हो गया इसका वाइसरॉय का, ठीक है। तो वो जो पहला इंसान था वो कौन था, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, ये पहले मेंबर थे जो जाके वाइसरॉय की एग्जेक्टिव काउंसिल में शामिल हुए थे, ठीक है।
इनके नाम के नीचे फिर से अंडरलाइन लगा लेना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नीचे अंडरलाइन लगा लेना, और जो हमने नंबर्स लिखे थे ना 16 to 60 उसके नीचे भी अंडरलाइन लगा लेना। नेक्स्ट लिखो, अच्छा इनको पोर्टफोलियो कौन सा मिला था, इनको बनाया गया था लॉ मिनिस्टर, ठीक है, ये लॉ मिनिस्टर थे या लॉ मेंबर थे। नेक्स्ट लिखो, इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन और कॉम्युनल इलेक्टोरेट, कॉम्युनल इलेक्टोरेट, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन पे अंडरलाइन करो, कॉम्युनल इलेक्टोरेट पे अंडरलाइन करो, और ये जो पॉइंट लिखा है ना हमने, फिफ्थ पॉइंट लिखा है, इस पे करो स्टार मार्क। ये समझाता हूँ क्या है, और ये जो सारा एक्ट है ना इसी के लिए फेमस है, कॉम्युनल इलेक्टोरेट के लिए, ठीक है, ये क्या चीज थी समझाता हूँ, लिख लो पहले इतना। इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, फॉर मुस्लिम्स, ठीक है, हाँ मुस्लिम्स लिखवाना रह गया था, फॉर मुस्लिम्स लिख लो, ये सबसे पहले मुस्लिम्स के लिए ही आया था। एक लास्ट पॉइंट लिखो, ऐसा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहां पे मेंशन है तो हम जब नोट्स बना रहे हैं फिर अच्छे से ही बनाएंगे। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस, कॉमा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, कॉमा यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स, ठीक है, इसको छोड़ो, सिक्स पॉइंट को छोड़ो, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पेपर में भी नहीं आई है। चलो ये समझो, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन जब भी इसकी बात होगी ना, मॉडलमेंट और रिफॉर्म की बात होगी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात होगी, इन तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 कब आता है, 1909 में, या ये पूछ लिया जाता है कि मॉडलमेंट और रिफॉर्म कब आते हैं, वो आते हैं 1909 में। नेक्स्ट, मॉडलमेंट और रिफॉर्म में मॉडले कौन था, मिंटो कौन था, ये पता होना चाहिए, या मॉडलमेंट और रिफॉर्म में वाइसराय कौन था, ये पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब सवाल किस किस तरीके से घुमा के पूछते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। मॉडलमेंट और रिफॉर्म में जब आए थे उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, ठीक है, तो ये था मॉडले था, ठीक है, दोनों में याद रखना, जो पहले वाला बंदा है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेकेंड वाला बंदा जो है वो वाइसराय है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट आता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किससे लिंक करती है या फर्स्ट टाइम कब आई, ठीक है, तो वो आई मॉडलमेंट और रिफॉर्म में 1909 में, ठीक है। ये बनते हैं आपके तीन चार क्वेश्चंस, और जो स्टेट पीसीएस वगैरह होते हैं उनमें कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, और जनरली पूछे जाते हैं ये आपके एसएसबी में, ठीक है। पहले जनरली ये पूछे जाते थे स्टेट पीसीएस में, लेकिन अभी जो है स्टेट पीसीएस है उसने जो अपना लेवल जो है अप कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके आने के कोई ऐसा खास चांसेस नहीं है, ठीक है, इसके आने के चांसेस हैं, ये सवाल जो है ये पूछा जा सकता है, ठीक है, जो तीन चार सवाल का जो मैंने पैटर्न बताया ना आपको, वो सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन पे। हुआ क्या कि अब जो है धीरे धीरे इन्होंने बोला कि हम ना इलेक्शन करवाएंगे, ठीक है, अब इलेक्शन करवाएंगे तो उसके लिए कैंडिडेट्स भी चाहिए। तब ये लोग, इन लोगों ने क्या सोचा कि क्यों ना इनको हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड किया जाए। ये हालांकि ये जो गेम थे ये ना काफ़ी टाइम से समझ चुके थे, इससे पहले ये बंगाल का जो है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि इससे पहले बंगाल का विभाजन जो है, बंगाल को जो है भारत से अलग कर दिया जाता है, बांग्लादेश को, ठीक है, उसको भारत से अलग कर दिया जाता है, तो वो पहले इसी का पार्ट था। तो वो रीज़न ये देते हैं कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो इस वजह से वो जो सूबा था वो बहुत बड़ा था, तो उस वजह से हम बांग्लादेश को जो है अलग कर रहे हैं, ठीक है। बांग्लादेश में थोड़ी मेजॉरिटी हुआ करती थी इनकी मुस्लिम्स की, ठीक है, तो एक तो ये सीन हो गया। उसके अलावा इन्होंने बोला कि अब वोटिंग करवानी है हमें, तो अब क्या है कि आप ना, मतलब अब ये जो इंडियन से ये इसमें आना शुरू हो गए थे, इनकी काउंसिल्स में आना शुरू हो गए थे, तो धीरे धीरे ये बोलेंगे कि सर वो बहुत पहले आपने एक बात की थी कि तुम पढ़ लिख जाओ, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे तुमको डेमोक्रेसी भी दे देंगे, तो सर डेमोक्रेसी की आप बात करते हो तो आप फिर दो ना, धीरे धीरे डेमोक्रेसी भी दो हमको। तो वो कहते हैं चलो ऐसा करो कि हम ना आपके इलेक्शन करवाते हैं, तो देखते हैं फिर धीरे धीरे देखते हैं तुम इलेक्शन अच्छे से लड़ पाते हो नहीं लड़ पाते, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो यही होता है कि अच्छे से, मतलब फेयर एंड उस मैनर में जो है जो इलेक्शन जो होते हैं वो आपके होने चाहिए, ठीक है।
तो देखो तुम इलेक्शन करवा के देखो, तो हम आपके इलेक्शन कंडक्ट करवा देते हैं, तुम अपने अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव्स वो भेजो, ठीक है। उसी बीच ये आ जाते हैं मॉडल मिंटो रिफॉर्म। तो ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि अब ये जो इंडियंस जो हैं धीरे धीरे इकट्ठा होने शुरू हो गए, ठीक है, तो इनको किसी तरीके से अलग करो। तो ये क्या करते हैं, एक ये इलेक्टोरेट लेके आते हैं, कॉम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है, या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट, उसका कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। उस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर मान लो ये पॉपुलेशन है, एक जगह की एक पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे अगर एक मुस्लिम जो है कैंडिडेट खड़ा होता है, ठीक है, तो इस पॉपुलेशन के जितने भी मुस्लिम्स होंगे ना, मान लो इस पॉपुलेशन में क्या हुआ कि ये हुआ एक खड़ा कैंडिडेट, एक मुस्लिम और एक हिंदू, ठीक है, हिंदू कैंडिडेट खड़ा हो गया। अब इन्होंने क्या बोला कि इस पॉपुलेशन का जो जितने भी जो मुस्लिम्स होंगे ना, वो इसी को वोट डाल सकते हैं, इसी मुस्लिम कैंडिडेट को वोट डाल सकते हैं, वो ये जो हिंदू कैंडिडेट है उसको वोट जो है ये नहीं डालेंगे, ठीक है। बड़ी इलॉजिकल सी बात लगती है, लेकिन उस टाइम पे इसने, इस बंदे ने, इन दोनों ने जो रिफॉर्म अपने अकॉर्डिंग जो लेके आए थे उसमें यही बात बोली गई थी कि जो मुस्लिम जो कैंडिडेट होगा उसको जो वोट डालने वाले बंदे होंगे वो सिर्फ मुस्लिम ही होंगे, ठीक है। तो ये बात इसमें कही गई थी, तो इसी वजह से ये जो है आपका फेमस है, और इसी चीज को बोला गया सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला एक्ट खत्म होता है। नेक्स्ट एक्ट लिखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू, MONTAGUE, Montague and Chelmsford, 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 Montague Chelmsford reforms, 1919. इसमें लिख लो, Montague was Secretary of State. Montague was Secretary of State and Chelmsford was Viceroy of India. Chelmsford was Viceroy of India. Features लिखो, it relaxed central control over, it relaxed central control over provinces by demarcating and separating the central and provincial subjects. इन्होंने क्या किया कि जो सेंट्रल सब्जेक्ट से उनको अलग कर दिया और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट से उनको अलग कर दिया। जो सेंट्रल सब्जेक्ट थे उनसे बोला कि जो कानून बनाएगा वो सेंटर ही बनाएगी, और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स होंगे उन पे जो कानून बनाएंगे वो स्टेट ही बनाएगी, ठीक है, प्रोविंस ही बनाएगी। तो जो फंक्शन थे ये लिखने के बाद ऐसे बना लेना, ये चार्ट बना लेना, फ्लो चार्ट है। फंक्शंस है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक तो सेंट्रल फंक्शंस, दूसरे प्रोविंशियल फंक्शंस, ठीक है। इनको भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इनको आगे डिवाइड कर देंगे ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स और दूसरे थे रिजर्व सब्जेक्ट। इतना लिख लो, इतना बना लो, और उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखो। जैसे ये रफ चीज है ना, ये बनानी है आपको, ठीक है, इसको पेज के इस साइड बना लिया करो, जहां पे आपकी जगह होती है ना, यहां पे इधर बना लिया करो। नेक्स्ट, इट फर्दर डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इंटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर और रिजर्व,
ट्रांसफर सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जो थे इन पे जो रूल बनाया जाता था या इनको एडमिनिस्टर किया जाता था, ये किया जाता था गवर्नर द्वारा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको गवर्न किया जाता था, गवर्नर प्लस एग्जेक्टिव काउंसिल। ठीक है, ये फर्क था दोनों में। और इस सिस्टम को कहा जाता था डायार्की, इस सिस्टम को कहा जाता था डायार्की। फिक्र मत करो, भी लिखवाता हूं सर। समझ आ गया आपको? इतना फंक्शन थे, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो सेंट्रल के फंक्शन, उस पर सेंट्रली कानून बनाएगी। एक हो गए प्रोविंसेस के फंक्शन, उस पर प्रोविंस गवर्नमेंट ही, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही जो कानून है वो बनाएगी। उसको आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स, दूसरे रिजर्व सब्जेक्ट्स। जो ट्रांसफरेबल थे उस पर गवर्नर लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की मदद से जो जो कानून बनाने वो बनाएगी। रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से उस पर कानून बनाएगी। ठीक है, अब लिखो इसको। इट फर्दर डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट ट्रांसफरेबल एंड रिजर्व, फुल स्टॉप। द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन, द रिजर्व सब्जेक्ट्स to be administered by governor with the help of executive council, full stop. This dual system of governance was known as diarchy. ठीक है, इसमें 1919 में एक डायार्की फेमस है, एक चीज और फेमस है, आगे जाके करवाऊंगा वो। इसमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स आएंगे, ठीक है, नहीं इसमें नहीं आते, आएंगे। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, इट इंट्रोड्यूस्ड, अच्छा ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट पे अंडरलाइन कर लो, रिजर्व सब्जेक्ट पे अंडरलाइन कर लो, गवर्नर दोनों जगह पे अंडरलाइन करो, और जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, वहां पे अंडरलाइन करो। नेक्स्ट, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम यस बाई कैमरलिज्म। ये समझाता हूं ये क्या होता है, इसके लिए भी फेमस है ये एक्ट। ठीक है, अब नई नई चीजें आ रही है ना, ये वाली इनके लिए, ये इसी वजह से मैंने बोलता ना, ये वाले जो एक्ट्स हैं नेक्स्ट जो थ्री आएंगे, पहला कर लिया, दूसरा करें, तीसरे वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो ये जो तीन होंगे वो फेमस होंगे या इंपॉर्टेंट है। लिखो, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म पे अंडरलाइन करो, एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री, फुल स्टॉप। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंटर में थी ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट वॉज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स या टू हाउसेस। सबसे पहले अपर हाउस और लोअर हाउस,
ठीक है, जो आज का राज्यसभा लोकसभा है ना उसमें डिवाइड कर दिया। तो जो अपर हाउस था उसको क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको आज हम कहते हैं राज्यसभा, और लोअर हाउस इसको कहते थे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको आज हम कहते हैं लोकसभा। ठीक है बाइकैमरलिज्म का मतलब ये होता है, आज भी इंडिया में ना कुछ स्टेट्स जो है वो बाइकैमरल हैं। ठीक है तो उसमें क्या होता है कि जैसे जब मैं पिछली क्लास में मैं करवा रहा था ना कि कुछ स्टेट्स जो होती हैं वहां पे भी एमएलए और एमएलसीज होते हैं। ठीक है तो जिन जिन स्टेट्स में एमएलसीज होते हैं वो जो स्टेट हैं उन स्टेट में दो हाउसेज होते हैं। ठीक है एक तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। ठीक है तो जहां जहां पे ये एमएलसीज होते हैं ना वो स्टेट को बाइकैमरल स्टेट कहा जाता है। फिलहाल अभी यही भी आऊं, इंडिया में सबसे पहले जो है बाइकैमरलिज्म कब आता है 1919 में। ठीक है और ये अभी चल रहा है। ठीक है क्योंकि हमारे दो हाउसेज है ना लोकसभा और राज्यसभा सेंटर में। चलो ये पॉइंट हो गया, बाइकैमरलिज्म पे स्टार मार्क कर लिया। चलो नेक्स्ट, इट इज इट रिक्वायर्ड दैट थ्री ऑफ द सिक्स मेंबर्स ऑफ वाइसराय एग्जेक्टिव काउंसिल, एग्जेक्टिव की बात हो रही है ठीक है, वाइसराय एग्जेक्टिव काउंसिल। 1909 में क्या हुआ था, वाइसराय की एग्जेक्टिव काउंसिल में एक मेंबर जो था इंडियन सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, एक मेंबर। ठीक है अब जो है मेंबर की गिनती कितनी हो गई है, तीन। ठीक है इट रिक्वायर दैट थ्री ऑफ द सिक्स मेंबर्स ऑफ वाइसराय काउंसिल वर टू बी इंडियन, वर टू बी इंडियन। नेक्स्ट लिखो, इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर सिख कॉमा इंडियन क्रिश्चियंस कॉमा एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। सिख तो समझते हो ना, जो सिख थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दी। इंडियन क्रिश्चियंस कौन थे, जो इंडियन थे लेकिन उन्होंने क्रिश्चियनिटी में खुद को कन्वर्ट कर लिया था, वो इंडियन क्रिश्चियंस हो गए। एंग्लो इंडियंस कौन थे, जो ब्रिटिश के थे लेकिन वो जो इंडिया में है वो रहने लग गए थे। ठीक है मतलब उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि आज के बाद जो है हम इंडिया में ही रहेंगे। चौथे यूरोपियन, जो यूरोपियंस थे। ठीक है इनको क्या किया, पहले जो सेपरेट इलेक्टोरेट था पिछला वाला एक्ट जो 1909 वाला, उसमें किसको मिला हुआ था, सिर्फ मुस्लिम्स को। अब इसमें किसको दे दिया गया, मुस्लिम्स को भी, सिख एंग्लो इंडियन और यूरोपियन और इंडियन क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को तो मिला ही हुआ। अब मान लो क्या होता है, ये एक बड़ा एरिया है, इसमें मान लो 10 जो है वो सिख रहते हैं, ठीक है 3 जो है वो मुस्लिम रहते हैं। ठीक है 3 ही रहते हैं ये एंग्लो इंडियन। ठीक है अब इनके जो एक एक रिप्रेजेंटेटिव यहां पे आता है वो खड़ा हो जाता है, ठीक है कि हम जो है इलेक्शन लड़ेंगे। अब जो मुस्लिम वाले हैं ना वो सिर्फ मुस्लिम को वोट डाल सकते हैं, चाहे इनको ये जो सिख रिप्रेजेंटेटिव है ये अच्छा लगता हो या ना भी लगता हो। ठीक है अच्छा लगता हो तभी वोट डालेंगे ना, नहीं लगता होगा तो खैर डालेंगे नहीं। तो अगर चाहे इनको ये जो सिख रिप्रेजेंटेटिव है ये कुछ भी इनसे वादे कर रहा है, तो चाहे इनको अच्छे लगते हो चाहे ना लगते हो ये इसको वोट जो है नहीं डाल सकते। इनको जो वोट डालनी होगी सिर्फ अपने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को ही डाल सकते थे। ठीक है सेम गोज फॉर सिख वाला रिप्रेजेंटेटिव और सेम गोज फॉर ये वाला एंग्लो इंडियन। ठीक है तो जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो आपको उसी कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको जो है वोट डालनी होगी, इसी का मतलब था सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है या कम्युनल वो
इलेक्टोरेट। ये पॉइंट भी हो गया क्लियर। नेक्स्ट चलो, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन। इसका मतलब ये था, अब इलेक्शन होने जा रहे हैं ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि अब जो है लोग वोट भी डालेंगे, लेकिन सबको जो है वोट डालने का हक नहीं दिया गया। वो जो हक दिया गया जिनके पास कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी थी ठीक है, उन्होंने प्रॉपर्टी डिसाइड कर दी कि इतनी प्रॉपर्टी होगी तो ही वोट डाल पाओगे, उसके साथ इतना पढ़े लिखे होगे तभी वोट डाल पाओगे, इतना जो है टैक्स देते होगे तभी वोट डाल पाओगे ठीक है। तो बहुत से लोग जो थे इस परव्यू के अंदर ही नहीं आते थे ठीक है, तो वहां पे इतने खास लोगों ने वोटिंग जो है वो कर ही नहीं पाए ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेंचाइज का मतलब यही था ठीक है, कि जो लोग जो है वोट डाल सकते थे। नेक्स्ट, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस दैट वर परफॉर्म्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फुल स्टॉप। हेंस अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेटअप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स, फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। और यही बाद में जाके आपका यूपीएससी बनेगा ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट, प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट। पहले क्या होता था, सेंट्रल और प्रोविंस का, प्रोविंसेस का जो बजट होता था सेम होता था ठीक है। सेंटर डिसाइड करता था कि कौन सी प्रोविंस को कितना बजट जो है एलोकेट किया जाएगा, लेकिन अब क्या हुआ कि जो सेंटर जो है अपना बजट अलग से बनाएगी, जो प्रोविंसेस हैं जितना टैक्स उनका कलेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग अपना जो बजट है वो अलग से बनाएगी ठीक है। तो इसमें ये हुआ, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स टू इनैक्ट देयर बजट, टू इनैक्ट देयर बजट्स। इसमें एक 10th पॉइंट लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 इयर्स ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स ठीक है। ये पॉइंट ना तो आपसे एग्जाम में कभी पूछे जाने वाला है ठीक है, और ना ही आज तक कभी आया है। नेक्स्ट चलो, उसके बाद जो आपकी बुक है ना उसमें साइमन कमीशन दिया हुआ है, कम्युनल अवार्ड दिया हुआ है ठीक है, उसका इनके साथ कोई लिंक नहीं है ठीक है। जब हिस्ट्री कराऊंगा तब ये अच्छे से कराऊंगा, यहाँ पे इनको कराने का कोई फायदा नहीं है ठीक है। मैं बीच से साइमन कमीशन कहीं से शुरू कर दूंगा या फिर मुझे पूरी जो हिस्ट्री है वो बतानी पड़ेगी कि साइमन कमीशन क्यों आया, किस तरीके से आया ठीक है, तो वो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। और उसका यहाँ पे कोई लिंक है भी नहीं ठीक है, ना साइमन कमीशन का ना कम्युनल अवार्ड का। तो आप जो आप करो सीधा आ जाओ नेक्स्ट एक्ट पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये लेंथीएस्ट वो था एक्ट था आपका ठीक है, लेकिन ये कभी एसएच फोर्स में नहीं आया ठीक है। इसमें लिखो, इट वॉज अ लेंथी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हैविंग 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स and 10 schedules
लिख लो सबसे पहला पॉइंट इसमें, इट प्रोवाइडेड फॉर सेटअप ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन पे अंडरलाइन कर लो, इट प्रोवाइडेड फॉर सेटअप ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। The Act divided the powers between center and units in terms of three list. ठीक है, सेंटर और जो प्रोविंसेस थी उसकी जो पावर्स थी इन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दी। ठीक है, तो वो पावर्स कौन कौन सी थी, एक तो थी आपकी फेडरलिस्ट बना दी, FEDERAL फेडरलिस्ट, दूसरी कौन सी प्रोविंशियलिस्ट, तीसरी कॉन्करेंट, चौथी एक और बना दी रेजिड्यूरी। ठीक है, इस पे जो थी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार कानून बना सकती थी, इस पे सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती थी, जो कॉन्करेंट थी इस पे दोनों कानून बना सकते थे बोथ, और जो ये वाली थी इसमें और उसमें फर्क समझ लेना, इस पे जो है वाइसराय कानून बना सकता था। ठीक है, उस पे सिर्फ वाइसराय, इस पे कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, वाइसराय और सेंट्रल गवर्नमेंट में फर्क है, इसको कौन हेड करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, वो वाइसराय वो अलग बंदा है। ठीक है, वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है, क्वीन का। ठीक है, क्वीन ने भेजा उसको अपना नॉमिनेट करके। ठीक है, अपना रिप्रेजेंटेटिव ये कौन है, ये ब्रिटिश सरकार का बंदा है, जो कैबिनेट मैंने बताया था ना पिछली क्लास में, ब्रिटिश कैबिनेट का पार्ट था ये। नेक्स्ट, हाउएवर दिस फेडरेशन नेवर केम इन टू बींग, हाउएवर दिस फेडरेशन, ये जो पॉइंट किया ना हमने, ये जो पहला पॉइंट किया, दिस फेडरेशन ये कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जो प्रोविंसेस के जो प्रिंसेस थे ना वो माने ही नहीं कि हमें जो है इस फेडरेशन में आना है। ठीक है, तो वो माने ही नहीं। हाउएवर द फेडरेशन नेवर केम इन टू बींग एज प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट ज्वाइन इट, एज प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट ज्वाइन इट। सेकेंड पॉइंट, इट अबॉलिश डायार्की। डायरकी में हमने क्या किया था, एक सेंट्रल के जो सब्जेक्ट्स थे, फिर प्रोविंशियल के सब्जेक्ट्स थे, फिर कौन से थे आपके ट्रांसफरेबल थे, और उसके अलावा कौन से थे, रिजर्व थे। ठीक है, तो वो जो सिस्टम था डायरकी का, उस सबको मिला के क्या बनती थी, डायरकी बनती थी। वो जो सिस्टम ऑफ डायरकी था उसको ही अबॉलिश कर दिया गया। नेक्स्ट, द एक्ट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, द एक्ट इंट्रोड्यूस responsible government in provinces, comma, the governor was required to act with the advice of ministers of legislative council। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, अब इलेक्शंस हुए थे ना, तो कुछ स्टेट में जो थे वो जीत गए होंगे। ठीक है, मान लो ये एक प्रोविंस है, तो इसको हेड कौन करता था, मैंने बताया था गवर्नर। ठीक है, किसकी उससे किसकी मदद से, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे उनकी मदद से। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया, द गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल। This came into effect in 1937, but was discontinued in 1939. ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये एक्ट जो है कभी फोर्स में आएगा ही नहीं। ठीक है, ये वाला इस एक्ट क्या, ये प्रोविजन था, ये फोर्स में आया था, लेकिन दो साल बाद ये डिसकॉन्टिन्यू हो गया। नेक्स्ट, इट प्रोवाइडेड फॉर अडॉप्शन ऑफ डायरकी
इट प्रोवाइडेड फॉर एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर, एट द सेंटर फुल स्टॉप. द फेडरल सब्जेक्ट्स, फेडरल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इंटू, वर डिवाइडेड इंटू रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स फुल स्टॉप. हाउएवर दिस प्रोविजन नेवर केम टू ऑपरेशन, दिस प्रोविजन नेवर केम टू ऑपरेशन. नेक्स्ट लिखो, इट इंट्रोड्यूस, इसमें स्टार मार्क कर लेना ये जो पॉइंट कर रहे हैं अभी. इट इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म इन 6 out of 11 प्रोविंसेस, इन 6 out of 11 प्रोविंसेस. कौन कौन सी थी लिखो, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस, एंड यूनाइटेड प्रोविंस. दोबारा रिपीट करता हूं, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस. ठीक है, यहाँ पे बाइकैमरल जो है सरकार वो आ गई. ठीक है, मतलब दो हाउसेस बना दिए गए. नेक्स्ट लिखो, इट फर्दर एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग, बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास. डिप्रेस्ड क्लास में आपके वो आ जाते हैं शेड्यूल कास्ट वगैरह हो गए ना, वो उसमें आ जाते हैं. तो ये कहां से शुरू हुआ था आपका, 1909 से शुरू हुआ था. सबसे पहले किनको मिला, मुस्लिम्स को. ठीक है, फिर 1919 में आके किनको मिल गया, सिखों को भी मिल गया. फिर आपका उनको एंग्लो इंडियंस को मिल गया. ठीक है, क्रिश्चियन जो इंडियन थे उनको मिल गया और यूरोपियंस को मिल गया. अब किनको मिल गया है, 1935 में आके डिप्रेस्ड क्लास को मिल गया. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इट अबॉलिश काउंसिल ऑफ इंडिया, इट अबॉलिश काउंसिल ऑफ इंडिया एंड दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया क्यों बनाई गई थी, क्योंकि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लाया गया था. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या करता था, काउंसिल की एडवाइस पे काम करता था. ठीक है, तो अब जो है इन्होंने काउंसिल को हटा दिया. इस एक्ट ने बोला कि काउंसिल को हटाओ और उसकी जगह जो जो काम काउंसिल करती थी उसकी जगह इसको एडवाइजर्स दो. ठीक है, तो बेसिकली काम वही होगा. ठीक है, तो घुमा फिरा के वही बात की इसने, इस एक्ट ने. तो इसने लिखा, इट अबॉलिश्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858. The Secretary of State was provided with team of advisors. The Secretary of State of for India was provided with team of advisors. Next लिखो, it extended franchise, it extended franchise, FRANCHISE, franchise. About 10%. About 10% of the total population got voting right. Got voting right. वो जो पिछले वाला इलेक्शन हुआ था ना उसमें आई थिंक 2% वोटें पड़ी थी सिर्फ. ठीक है, 2% लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वोटिंग में. वो जो उन्होंने कंडीशन रख दी थी ना कि इतनी इतनी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए और इतना आप टैक्स देते हो. ठीक है, और इतनी आपके पास प्रॉपर्टी हो. ठीक है, तो उसमें सिर्फ आई थिंक 1-2% लोग आते थे. ठीक है, अब जो है फ्रेंचाइज इंक्रीज कर दी गई 10% तक. ठीक है, नेक्स्ट, इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी, टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री. फास्ट लिखो थोड़ा, टू कंट्रोल द करेंसी एंड credit of the country. Next, लिखो, it provided for establishment of, it
provided for the establishment of not only Federal Public Service Commission, Federal Public Service Commission, but also Provincial Public Service Commission, Provincial Public Service Commission. ठीक है, एक था Federal Public Service Commission, दूसरा Provincial Public Service Commission. ठीक है, Provincial. ठीक है, ये बाद में जाके आपका बन जाएगा UPSC. ठीक है, ये बन जाएगा स्टेट का जो PCS होता है. ठीक है, ठीक है, जो हर एक स्टेट में होता है, जैसे पंजाब का है PPSC, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल का है HPSC, हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है, वैसे ही हरियाणा का है. ठीक है, बाकी स्टेट्स का भी है, RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है, MPSC, मध्य प्रदेश का हो गया, महाराष्ट्र का, ऐसे चलते रहते हैं. ठीक है, तो इसने बोला कि सिर्फ ये ना बनाओ, UPSC ना बनाओ, उसके साथ साथ जो स्टेट्स भी हैं उनका भी जो है ये बनाओ आप. ठीक है, इसने ये बात की. उसके अलावा इसने बात की, इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट्स, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट्स विच वॉज सेटअप इन 1937, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1937. और वही जो फेडरल कोर्ट है बाद में जाके आपका सुप्रीम कोर्ट बन जाएगा. ठीक है, तो ये सारे, ये जो 10 पॉइंट्स थे, ये इसमें आते हैं आपके 1935 के एक्ट में. ठीक है, इनमें से ज्यादातर जो है देखा जाए तो सिर्फ दो या तीन जो है वही इंप्लीमेंट हुए बाद, क्या कहते हैं, जो इसने बातें की थी. जैसे ये फेडरल की बात करता है, ठीक है, वो फेडरल आया नहीं कभी. फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की इसने, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, लेकिन हाँ UPSC आ गया. उसके अलावा रिजर्व बैंक की बात की, ठीक है, वो आ गया. ठीक है, और उसके अलावा उसने बात की फेडरल कोर्ट की. ठीक है, इसको एस्टेब्लिश कर लिया गया 1937 में. ठीक है, तो कुछ जो बातें थी इसकी, ज्यादातर जो प्रोविजन थी वो नहीं आई, जैसा इसने बोला था उस तरीके से नहीं आई, लेकिन हाँ इसकी, इसने जो बातें की गई थी उनको हमने अडॉप्ट कर लिया आगे जाके. कुछ को आजादी के बाद अडॉप्ट कर लिया जाएगा, कुछ को आजादी से पहले अडॉप्ट कर लिया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट लिखो लास्ट एक्ट आज का, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, लिखो इसमें फीचर्स, लिखो इसके. ये जो तीन एक्ट्स है ना, जो पीछे वाले की है 35, 1919 और 1909, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट लिखो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. फर्स्ट पॉइंट, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज इंडिपेंडेंट, इंडिया एज इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15, 1947. Second point, it provided for the partition of India and creation of two independent dominions. It provided for the partition of India and creation of two independent dominions of India and Pakistan, of India and Pakistan, with the right to secede from British Commonwealth. ये समझो, जब हमें आजाद किया गया था ना, तो हमारे पास उन्होंने बोला था कि आप ऐसे कर सकते हो, आप आजाद हो जाओ, आप ना उसका पार्ट चाहो तो आप बने रह सकते हो, इसका कॉमनवेल्थ का पार्ट. मतलब ये हुआ करता था कि जिस भी देश पे ब्रिटेन ने कभी ना कभी जो है राज किया था ना, वो सारे जो देश हैं कॉमनवेल्थ के अंडर आते हैं. लेकिन जब जब इन्होंने देशों को आज़ाद किया ना, तो उनको बोला कि आप चाहो तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के पार्ट जो है बने रह सकते हो, चाहो तो इसका जो पार्ट है आप ना बनना चाहो तो आप ना भी रहो. ठीक है, वो आपकी मर्जी है. जैसे कैनेडा है, वो आज भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है. ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स होती है ना, ये बेसिकली उन्हीं के लिए होती हैं जिनको ब्रिटिश ने कभी ना कभी वो किया होता है, जिन पे कभी ना कभी राज किया होता है. जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया भी इसका वही है, कॉमनवेल्थ का पार्ट है. मतलब वो अभी भी उसको मानता है, क्या कहते हैं आपका, अपने आप को उसके अंडर मानता है. ठीक है, क्राउन के. तो ये था इसका मतलब कॉमनवेल्थ का. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप चाहो तो
ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट बन सकते हो, ठीक है, कॉमनवेल्थ का पार्ट बन सकते हो, और चाहो तो उससे सीड भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब मना भी कर सकते हो. नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसराय एंड प्रोवाइडेड फॉर each dominion a governor general who was appointed by British king on the advice of dominion cabinet. Next, मतलब इसी में लिखो, हिज मेजेस्टी गवर्नमेंट, मतलब वहां का जो किंग था उसकी जो गवर्नमेंट थी इन ब्रिटेन, हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है, मतलब अब जो है इनके मैटर्स में वो दखल अंदाजी नहीं करेंगे. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सारा पॉइंट. इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसराय एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन अ गवर्नर जनरल हु वॉज अपॉइंटेड बाई ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट हिज मेजेस्टीज गवर्नमेंट इन ब्रिटेन हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड और पाकिस्तान. नेक्स्ट पॉइंट, इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज. फोर्थ पॉइंट, इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज फॉर द टू डोमिनियंस सॉरी इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ द टू डोमिनियंस टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशन. ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान को बोल दिया गया कि अपनी मर्जी से अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखो, अपनी मर्जी से उसमें जो प्रोविजन डालनी है डालो, हम जो है उसमें बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे. नेक्स्ट लिखो, इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज of both the dominions to legislate their respective territories till new constitution were drafted and enforced ठीक है, दोनों को बोल दिया गया कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनको पावर कर दिया गया कि जो आप जो अपने जो वो है जो आपका एरिया उसमें आप लेजिस्लेट कर सकते हो. कब तक? जब तक जो है आप जो दोनों जो देश हैं इंडिया और पाकिस्तान आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. It abolished the office of Secretary of State of India and transferred his functions to Secretary of State for and transferred his functions to the Secretary of State for Commonwealth Affairs. ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस था उसको अबॉलिश कर दिया गया और जो उसकी पावर्स थी जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो इन्होंने बनाया था ना, ब्रिटिश हर जगह से हारता जा रहा था तो वहाँ पे सभी को अपने कॉमनवेल्थ में इंक्लूड करता जा रहा था. ठीक है, तो वहाँ पे उनका एक वो हुआ करता था क्या कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहाँ पे बना दिया उन्होंने हर देश के लिए. ठीक है, तो वहाँ पे जो उसकी जो पावर थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स को जो है कॉमनवेल्थ अफेयर्स को ट्रांसफर कर दी. नेक्स्ट, It proclaimed the lapse of British paramountcy, PARAMOUNTCY, paramountcy. ठीक है, मतलब ब्रिटिश का राज है आज से हम पे खत्म होता है. नेक्स्ट लोगो, इट ग्रांटेड द फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट्स. हाँ, इस पे स्टार्ट मार्क करो, ये जो नेक्स्ट पॉइंट बना रहे हो ना इस पे स्टार्ट मार्क करो. इट ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट्स either to join
डोमिनियन ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑप्शन डोमिनियन ऑफ इंडिया, मतलब जो भी प्रिंसली स्टेट्स थी ना उस टाइम पे, 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी, आई थिंक 1,000 के 500 से ज़्यादा जो है प्रिंसली स्टेट्स थी, तो उनको जो है ऑप्शन दे दिया कि आप या तो इंडिया में इंक्लूड हो जाओ, या क्या करो पाकिस्तान में इंक्लूड हो जाओ, या इंडिपेंडेंट रहो, ठीक है। तो इनको सबको इकट्ठा करने का काम फिर आप उनको दिया जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। कहाँ है हम, हाँ, इट ग्रांटेड द फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स आइदर टू ज्वाइन डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट, टू रिमेन इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट लिखो, इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ डोमिनियन, इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियन एंड प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 टिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर फ्रेम्ड, ठीक है, टिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर फ्रेम्ड। जब तक जो है आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं बन के तैयार नहीं हो जाता, तब तक जो है आप जो अपने अफेयर्स हैं किसके अकॉर्डिंग चलाओ, 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, उसके अकॉर्डिंग जो आप अपने अफेयर्स हैं उनको चलाओ। नेक्स्ट, इट डिप्राइव द ब्रिटिश मोनार्क, इट डिप्राइव द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट्स, ऑफ हिज राइट्स टू वीटो बिल्स, टू वीटो बिल्स और आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स, और आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स फॉर हिज अप्रूवल। फुल स्टॉप। बट दिस राइट वॉज रिजर्व्ड फॉर गवर्नर जनरल, बट दिस राइट वॉज रिजर्व्ड फॉर गवर्नर जनरल, कॉमा ही हैव द फुल पावर, ही वुड हैव द फुल पावर टू असेंड टू एनी बिल, टू असेंड टू एनी बिल इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी, इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी, ठीक है। सबसे पहले तो समझो वीटो क्या चीज होती है। मान लो वीटो का मतलब होता है वहां पे 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, उसमें से एक मेंबर है जो इनका हेड है, ठीक है, एक मेंबर है इनका हेड है, मतलब टोटल 11 मेंबर्स है, एक मेंबर हेड है, 10 इस चीज के मेंबर है, ये जो एक मेंबर है ना इसके पास वीटो की पावर है, ठीक है। अब मान लो कि क्या होता है कि कोई ना बिल जो है उसको पास करवाया जाता है, ठीक है, तो ये जो 10 मेंबर्स हैं ये कहते हैं कि इस बिल को पास कर दो, ठीक है। जिस बंदे के पास वीटो है ना, अगर ये कह देता है कि ये बिल जो है पास नहीं होगा, तो वो बिल जो है पास नहीं होता, ठीक है। सेम होता है वाइस वर्सा, मान लो एक बंदा वीटो पावर है उसके पास, 10 बंदे मेंबर्स हैं किसी चीज के, ठीक है, ये 10 मेंबर्स कह रहे हैं कि जो ये बिल है ये पास नहीं होगा, ठीक है, ये एक बंदा जिसके पास वीटो पावर है ये कह रहा है इस बिल को पास करवाना है, तो ये बिल जो है पास होके ही रहेगा, तो वो जो बिल है वो पास हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पास वीटो पावर है, वीटो पावर का यही मतलब होता है। अब समझो अपने जो हमारा जो था पूरा जो ये था आपका पूरी जो लाइन है उसका मतलब क्या है, इट डिप्राइव द ब्रिटिश मोनार्क, पहले क्या होता था ब्रिटिश मोनार्क जो हुआ करता था उसके पास राइट होता था वीटो का, ठीक है, तो जो वो क्या कर सकता था किसी भी बिल को पास करवा सकता था और चाहता तो नहीं पास करवा सकता था, उससे ये जो पावर थी छीन ली गई, लेकिन ये जो पावर थी उसको दे दी गई फिलहाल के लिए गवर्नर जनरल को दे दी गई, ठीक है, इस लाइन का यही मतलब है। नेक्स्ट लिखो, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स, ठीक है, जो प्रोविंसेस थे उन पे कौन राज कर रहा था, गवर्नर्स कर रहे थे, और सेंटर में कौन कर रहा था आपका ये क्या कहते हैं वाइसराय कर रहा था ना, वाइसराय को चेंज करके उन्होंने, सॉरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को चेंज करके उन्होंने गवर्नर जनरल बना लिया था, अभी देखा हमने थोड़ा टाइम पहले। तो हाँ, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ
states. Full stop. They were made to act. They were made to act on the advice of respective council of ministers in all the matters. In all the matters. अब जो है जो आपकी council है ना उसमें सारे के सारे Indians हैं, ठीक है? Indians जो हैं voting वगैरह जीत के आए हैं. इसके आगे ना एक वो बना हुआ है, अपनी लक्ष्मीकांत की बुक खोलोगे ना उसमें वो बना हुआ है आपका इंटरिम गवर्नमेंट का टेबल बना हुआ है, और जो फर्स्ट कैबिनेट होती है इंडिया की उसका भी टेबल बना हुआ है, ठीक है? तो ये जो मेंबर्स थे, एक तो इनके नाम याद कर लेना कौन कौन मेंबर था और उसके सामने उसको कौन सा पोर्टफोलियो मिला हुआ था, ठीक है? अब जो काउंसिल की बात हो रही है ना 1947 में जब आप काउंसिल की बात कर रहे हो तो उसका मतलब ये है कि यही सारे मेंबर्स, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, लियाकत अली खान, सी राजा गोपालाचारी, ठीक है, इन लोगों की जो बात हो रही है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, आई थिंक मैं उनका नाम लेना भूल गया हूँ, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इन्हीं लोगों की जो है जब भी काउंसिल की बात हो रही है यहाँ पे, तो इन लोगों की बात हो रही है कि इनकी एडवाइस से इनको चलना होगा, ठीक है, इस गवर्नर जनरल को और जो गवर्नर्स हैं उनको भी. नेक्स्ट लिखो, इट ड्रॉप्ड. नेक्स्ट पॉइंट, इट ड्रॉप्ड द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया. It dropped the title of Emperor of India from royal titles of King of England. ठीक है, King of England को title मिला हुआ था Emperor of India का, ठीक है, उसको उस title को उसको हटाना पड़ा. Next लिखो, it discontinued the appointment of civil services. It discontinued the appointment of civil services and reservation for post by the Secretary of State of for India. दोबारा लिख लो, it discontinued the appointment of civil services and reservation of post by Secretary of State for India. पहले क्या होता था, Secretary of State जो होता था ना उसके पास जो है कुछ post जो होती थी वो reserved होती थी, ठीक है, मतलब वो किसी भी इंसान को अपनी मर्जी से सिविल सर्वेंट जो है वो बना सकता था. किसके पास थी ये पावर? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, स्टेट के पास. अब उससे ये जो पावर थी ये छीन ली गई. फुल स्टॉप. द मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर 15th August 1947. August 15, 1947 would continue to enjoy all the benefits. That they were entitled to till the time. ठीक है, जब तक अब उनकी, मान लो कुछ कोई आर्मी था, ठीक है, मान लो उसको क्या किया, 14 अगस्त को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने क्या बना दिया, डीसी बना दिया, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर बना दिया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना दिया, ठीक है. अब जब तक जो है उसकी जो सर्विस जो है वो खत्म नहीं हो जाती तब तक ये क्या रहेगा, डीसी रहेगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहेगा. लेकिन जो 15 अगस्त के बाद जो है ये जो सारी पावर्स जो थी ये उससे छीन ली गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, ठीक है. अब जो है वो किसी को भी ये नहीं बना सकता, ठीक है. इसके पास पावर्स हुआ करती थी, कुछ लोगों को रिजर्व थी इसके पास पावर, मतलब ये था आपके, इसके पास क्या कहते हैं, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट थी इसके पास, ठीक है, कुछ पोस्ट जो थी इसके पास रिजर्व थी, वो उनको अपनी मर्जी से डिप्टी कलेक्टर जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो लगा सकता था, ठीक है. अब से वो नहीं लगा पाएगा. तो ये जो थी आपकी टोटल प्रोविजन इसकी थी. इसके साथ अब आपको जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो जो है उसके पोर्टफोलियो याद करने, ठीक है, टेबल जो है वो याद करना है. जिस बच्चे के पास नहीं है वो टेबल, या जिस बच्चे के पास लक्ष्मीकांत की बुक नहीं है, ठीक है, वो क्या कहते हैं मेरे को बता देना, मैं इस टेबल की जो फोटोग्राफ है वो खींच के आपको भेज दूंगा. और क्या कहते हैं, जिन बच्चों के पास, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, अगर किसी के पास हमारी ये जो बुकलेट है वो नहीं है तो वो यहाँ पे आके हमसे ले जा सकते हैं, ठीक है, बुकलेट, ठीक है. और अगर आप लक्ष्मीकांत से ही पढ़ना चाहते हो तो आप इससे भी कंटिन्यू कर सकते हो. जब भी आपका टेस्ट होगा, ठीक है, तब आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट आओगे तब आप जो है अपनी बुकलेट तब ले जाना, ठीक है. तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी. इसी के साथ जो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया, ठीक है. फर्स्ट 3 क्लासेज जो थी इसकी UPSC बैच की वो जो थी फ्री ऑफ कॉस्ट थी, ठीक है, सबके लिए फ्री थी ये. तो 3 जो डेमो क्लासेस जो हैं वो आज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं. इसके बाद जितनी भी क्लासेस आएंगी वो सारी जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे वो उन्हीं के लिए होंगी, ठीक है.
जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो रजिस्ट्रेशन करवा लें, ठीक है, और जो इसकी जो फी है वो पे कर दें, ठीक है, और जिन बच्चों को फी स्ट्रक्चर का नहीं पता वो क्या कहते हैं इसमें जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर शो हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे आप क्या कहते हैं कॉल करके जो है वो ले सकते हो, ठीक है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अदरवाइज मैं भी बता देता हूँ, एज सच इतना कुछ नहीं है, कोई ये सीक्रेटिव चीज़ नहीं है ये, ठीक है। दो कोर्सेज है हमारे, एक तो है लाइफ टाइम का कोर्स, ठीक है, उसकी फीस है 1,20,000, इसमें आपको GS कवर करवाया जाएगा, ठीक है। दूसरा है वन टाइम कोर्स, ठीक है, इसकी फीस है 72,000, ठीक है। इसको आप 12 इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो, ठीक है, 12 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। इसकी आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 6K की और इसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 10K की, ठीक है। तो इसमें जो है उसके अलावा इसी में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपके जो नोट्स हैं, ठीक है, आपसे बनवाए जाएंगे वो जो बुकलेट्स हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी आपको। उसके अलावा जो ये वाला कोर्स है इसमें आपको क्वेश्चन बैंक वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है इन सबके, ठीक है। और ये जो सारा कोर्स होगा इसमें आपके साथ में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, और आपके जैसे ही आपका जो टॉपिक फिनिश हो जाता है, जैसे अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फिनिश हो गया है, तो इसके बाद एक दो टॉपिक्स और करके तो हम जो है 100 questions का एक जो टेस्ट है वो प्रिपेयर कर लेंगे और उसका आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट होंगे आपके, मॉक टेस्ट और दूसरे प्रैक्टिस टेस्ट। तो ये वाला जो टेस्ट होगा एक दो टॉपिक्स के बाद आपका प्रैक्टिस टेस्ट होगा, और उसके बाद जो मॉक टेस्ट जब आपका क्या कहते हैं एग्जाम आने वाला होगा ना, उससे 2 महीने पहले हम मॉक टेस्ट जो है वो शुरू कर देंगे, ठीक है। और आप उससे पहले भी शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले भी शुरू कर हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ें मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट है और मेन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, और उसके अलावा मॉक इंटरव्यूज, इंटरव्यूज, ठीक है, ये सब इसी में इंक्लूडेड है 72,000। और जो ये वाली चीज़ है क्वेश्चन बैंक जो है वो सिर्फ लाइफ टाइम वालों के लिए, ठीक है, एक चीज़ ये। और उसके अलावा जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो जितनी आपने फी पे की होगी, ठीक है, GS की, उसका जो है 10% आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है, उसका जो 10% है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और उसमें इस वाले कोर्स में क्या है, अगर आप ये वाला कोर्स लेते हो और अगर आप अपनी जो फीस है वो एक ही बार में दे देते हो तो टोटल फीस पे आपको 10% जो है ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी इसकी प्रोविजंस है, प्रोविजंस ही मतलब जो भी है जो कोर्स है आपका उसकी डिटेल्स है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं करवाया वो करवा सकते हैं, ठीक है, कोर्स की जो आपको डिटेल्स थी वो आपको मिल गई हैं, और आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी, और उसके अलावा कल से जो नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो सिर्फ जो है हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होगी, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और थैंक यू सो मच।